व्यूअर्स, ऐसा क्या हुआ जो कि बेबी आंटी हम लोगों से मिलके हुई बहुत खुश, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हो सके तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली में शेयर करें। चलें वीडियो वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ और फिट फाट हूँ। तो आज आप देख रहे हैं बेबो आंटी का न्यू लुक, जो कि हम लोग मिले थे बेबो आंटी से, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, दिल और बातों से भी, दिल की भी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों से मीटअप किया, बहुत अच्छे से हमें टेक्निक दी, बहुत अच्छी अच्छी हमें टिप्स वगैरह बताई। और यहाँ पर मेकअप भी हो रहा था तो उन्होंने मेकअप की भी वीडियो हमें बनाने दी बहुत खुशी खुशी। और ये देखें मेकअप भी उन्होंने लाइट सा मेकअप करवाया था, क्योंकि सूट बहुत लाइट सा पहनी हुई थी। तो व्यूअर्स, यहाँ हम लोग रुके हैं उनके लिए कुछ है, यानी गुलाब वगैरह का लेने के लिए गुलगस्ता। तो हम लोग ये बुके ले रहे हैं, गुलाब के बुके। तो ये देखें, आपको बुके भी दिखा रहे हैं। और जो बुके हम लेंगे वो आपको जब उन्हें देंगे, जब आप लोगों से शेयर करेंगे। बाकी अभी हमने अपना लिया नहीं है और ये देख रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई देखें, बाकी अनस के पापा जो है ना बुके देख रहे हैं, ये देखें आप। तो अब देखें कौन सा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। जिन्हें हमें देना है ना तो उनको दिखाएंगे, ठीक है। बाकी हमने आपसे शेयर कर दी है। तो व्यूअर्स जी, व्यूअर्स तो यहाँ कर रही थी बेबो आंटी नाश्ता। तो यहाँ पर माशाल्लाह हिना ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था बेबो आंटी को। दही बल्ले बहुत पसंद आए थे, दही बड़े चाट। और बाकी हम लोग यहाँ कर रहे हैं इंजॉय, इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बेबो आंटी का हो रहा था फैशन वगैरह भी और मेकअप भी। तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए मेकअप हो चुका था, अब हेयर स्टाइल बन रहा था और हेयर स्टाइल भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनवाया था, फ्रेंच चुटिया बनवाई थी बैक से उन्होंने, फ्रेंच चुटिया बहुत अच्छी बनी थी। और बेबो आंटी बहुत खुश थी मेरे गुलदा ये बुके देने से, उनको बुके मेरा बहुत पसंद आया था। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी खुश हैं और वो इतनी अच्छे अच्छे सी मुस्कुराती हुई आ रही थी। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग मिले बेबो आंटी से, तो हम लोग भी बेबो आंटी से मिलके बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा बेबो आंटी से मिलके। और बेबो आंटी वाकई बहुत अच्छी हैं, दिल की भी और बातों से भी बहुत प्यार दिया। और उन्होंने हम लोगों को सबको अपनी बेटी बना, अपनी बेटी कहा कि आप लोग सब मेरी बेटियाँ हों और बेटियों की तरह हों। और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और आप लोगों का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना था कि आप लोगों ने मेरी इस वाली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और मेरी वीडियो अभी तक माशाल्लाह से रैंक कर रही है। और मुझे आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी न्यू अच्छे अच्छे व्लॉग भी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और चले मैं बताती हूँ कि बेबो आंटी इतनी क्यों खुश थी और हमसे मिलके उनको कैसा लगा। हमसे मिलके उनको भी बहुत अच्छा लगा। बेबो आंटी खुश यूँ थी जो मैं उनके लिए बुके लेके गई थी, फूलों वाला गुलाब। जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि वो इतनी खुश थी क्योंकि जो मैं लेके गई थी बुके गुलाब का, वो उनको बहुत पसंद आया और वो रियल था और फ्रेश बना हुआ था। और उसमें जो इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना महक रहा था कि वो बहुत खुश थी। आप लोगों ने देखा होगा, इसे पिछली वीडियो में भी देखा होगा और इस वीडियो में भी मैंने छोटी सी क्लिप उनकी इस वीडियो में ऐड की है। तो आप लोग ज़रूर देखें कि आप लोगों को बेबो आंटी कितनी खुश लग रही हैं। और बाकी रहा ये कि बेबो आंटी को मैं अपने साथ अपने घर ला रही थी, लेकिन थोड़ा सा हो गया था मसला। वो मसला ये था कि मेरा घर था ऊपर का, क्योंकि मेरा है जीना और जीना जो है ना वो नहीं चढ़ सकती थी। आप बेबो आंटी के जो से आपने देखा है तो कहेंगे बेटा मैं जीना नहीं चढ़ सकती, थोड़े से एक दो और प्रॉब्लम थी तो जिसकी वजह से बेबो आंटी मेरे साथ नहीं आई। वरना बेबो आंटी को मैंने दी थी ऑफ़र और बेबो आंटी ने मुझे कहा कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन जब उन्होंने बेबो आंटी ने मुझसे एक दो बात पूछी तो जी व्यूअर्स, तो अब इंशाल्लाह जब भी आएंगी बेबो आंटी तो हम लोग उनसे रابطہ करेंगे और इनको इंशाल्लाह इतना प्यारा, इतना बड़ा जो हमारा पाकिस्तान है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जाएंगे, कहीं अच्छी जगह उनको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह हम बेबो आंटी का कर रहे हैं वेट। तो बेबो आंटी आप अगर मुझे देख रही हैं तो ज़रूर जब भी आइएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और हमें इंतज़ार रहेगा जब आप आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हम आपको और जगहें दिखाएंगे, इतना बड़ा कराची है हमारा। इंशाल्लाह हम आपको बाहर घुमाएंगे फिराएंगे और
अच्छी अच्छी जगहें हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूवर्स, मैं लूँगी अब आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बेबो आंटी से मिल के जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगा होगा, आप और आपको भी मिल के, और आपने भी देखा होगा बेबो आंटी कितनी खुश थी। तो मेरी नहीं है और बेबो आंटी की नहीं और हम सब की नहीं, करिएगा दुआएँ कि अल्लाह पाक हम सबको जल्द से जल्द करे कामयाब। और जितने भी यूट्यूबर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, अल्लाह पाक सबको जल्द से जल्द कामयाब करे। सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी मेहनत को कायम रखे। तो व्यूवर्स, मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। और पहले, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ अपने व्यूवर्स से, देखने वाले, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हो सके तो अपनी फैमिली में शेयर करें। तो व्यूवर्स, मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।